दुलारे बाबू, दुलारे बाबू। अरे कितनी दफा आपसे कहा है कि अब्बा जान कहा कीजिए, हम नहीं चाहते मगर आप पे हाथ उठाना पड़ेगा हमें। अरे मोहल्ले वालों ने सुन लिया तो सुबकी हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी? सुबकी, सुबकी का मतलब है शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी हमें। नालायक, आपकी उम्र में हम इकबाल और गालिब को पढ़ते थे, आपको उर्दू का मुताला शुरू करना चाहिए। वो पापोश वाले गालिब अंकल ना? पापोश वाले? हाँ ना, जिनकी पान की दुकान है। अरे लाल अकबर, गालिब और पान की दुकान? हाँ, वहाँ के पान बहुत मशहूर है, आप खाएंगे? जी नहीं, और आपको भी खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो वैसे आपके लिए खत लाया था। हमारे लिए खत? दिखाइए। पहले 1000 का नोट दीजिए। वाह 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 वाह, क्या तरबियत पाई है अपनी वालदा माजदा से आपने, सुभान अल्लाह। भाई इतने पैसे नहीं हमारे पास, आपकी वालदा 100 रुपया देती है हमें, उससे ज्यादा हमारे पास होते नहीं। सोच रहे लखनऊ से खत आए। लखनऊ से? लखनऊ? कहाँ खो गए? खत चाहिए नहीं चाहिए? अरे चाहिए भाई, दे दीजिए ना। नहीं, पहले इसकी कीमत अदा कीजिए। दिल तो चाह रहा है अभी की अभी कीमत भी अदा करे इसकी, लेकिन मजबूरी है। ये पता नहीं कितने हमने जमा किए, अब जितने भी हैं ये रख लीजिएगा खामोशी से। ये 450 रुपए हैं बस हमारे पास। हाँ जाइए। बहुत है। क्या औला देंगे खुदा की कसम। उठा ही लेते हैं क्योंकि सफाई भी हम ही को करनी पड़ेगी, गंदगी भी तो नहीं कर सकते इस घर में। अरे वाह, ये तो हमारे मामूजाद भाई बदरुद्दीन का खत है। वाह 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 वाह, तशरीफ ला रहे हैं, आइए आइए, बिस्मिल्लाह। अरे तारीख तो इस पर 1 हफ्ते पुरानी है, इसका मतलब है वो तो किसी वक्त भी आने वाले होंगे। शिमी जी को बताना पड़ेगा। अरे बिल्किस, दिल के फपोले तुमसे ना फोड़ू तो किससे फोड़ू, तुम ही तो एक मेरे दोस्त बच्चे हो। अरे छोड़ फप्पो को नागन। सुन बिल्किस, कहने को तो मेरी ससुराल में कोई नहीं है, न सास न ससुर न नंद, लेकिन आए दिन मेरी ससुराली रिश्तेदार मेरे घर पर पड़े रहे। ये क्या कह रही है सिम्मी जी? हाँ, अरे दुलारे बाबू के कभी फुप्पा कभी फुप्पी कभी चच्चा कभी चच्ची कभी खालू। बस बिल्किस मैंने सोच लिया, अब अगर दुलारे बाबू का कोई भी रिश्तेदार इस घर में आया ना मुफ्त की रोटी तोड़ने, तो मैं उस समीत दुलारे बाबू को रुखसत करूंगी यहाँ से, अरे निकाल दूंगी। हाँ या अल्लाह, ये सिमी जी क्या बोले जा रही है? अगर इनको पता चल गया कि हमारे कजन यहाँ तशरीफ ला रहे हैं बदरुद्दीन, तो ये तो हमारा जीना हराम कर देंगी। या अल्लाह हमें इनके शर से बचा। अब बस क्या बताओ, और बताने को रह क्या गया है। क्या हुआ, पुलिस पीछे लगी है क्या? अरे पुलिस नहीं, आपकी वालदा माजदा हमारे पीछे लगी हुई है। तो हुआ क्या? अरे हुआ ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारा कोई भी रिश्तेदार अब इस घर में रहने के लिए आया तो उसके साथ साथ हमें भी इस घर से निकाल देंगी। अब समझ नहीं आ रहा हमारा जो कजन आ रहा है बदरुद्दीन, उसको हम कहां रखें? तो अरे इसका हल है ना मेरे पास। फरमाइए। इसका हल ये है कि हम अम्मा और नानी को ये नहीं बताते कि वो बदरू आपका भाई है। बदरू नाम नहीं है उनका, बदरुद्दीन नाम है। हाँ हाँ वही। हाँ तो फिर क्या बताएंगे? कहाँ चले? हाँ। यकीन नहीं आ रहा, दोबारा बताएं। आइडिया तो अच्छा है ना? शाबाश। अच्छा, पहली बार पैसे लिए बगैर काम किया आपने हमारा। अरे मैं तो भूल गया था पैसे लेना। मुझे पता था कि ये लड़का दूसरी शादी करके ही दम लेगा, कीड़े पड़े से खुदा पूछे इसको। अरे चुप करो फूफा, सारे ड्रामे का मजा खराब कर रही है। अरे अदाकारी कर रहा है, अदाकार है ये, ड्रामा चल रहा है। चलो फूफा जान, सिम्मी अब हम आ गए। हाँ अच्छे टाइम पे आओ, जाओ जल्दी से अच्छी सी चाय लेकर आओ मेरे लिए, जूस भी लेते आना। हाँ अरे हम आपके लिए एक अदद राय लाए।
अच्छा दे दे दे, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है, दे जल्दी दे। भूखी? अरे राय का मतलब है कोई मशवरा है? हाँ बहुत जबरदस्त आइडिया है, घर बैठे पैसे कमाएंगे। ये तो अच्छे लगते हैं मुझे इस तरह के पैसे कमाने वाले आइडिया, बताओ क्या आइडिया है? अरे हम ये कह रहे हैं कि नवाब जो है वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, हम नवाब को अगवा करके सिमी से पैसे ले लेंगे बस। वाह वाह पप्पा वाह वाह, अरे अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत दिया करो, बुरा सा आइडिया। अच्छा तो फिर तुम ही बता दो ना कि नवाब को अगवा करके हम किससे पैसे लेंगे। अरे लहल वाला गुद फुप्पो, कितना मुजरमाना जहन है आपका। दुलारे बाबू ये कहना चाह रहे थे कि नवाब मामू का कमरा अगर कुछ दिनों के लिए किराए पे दे दें, क्यों मां? अरे ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, चलो फिर जल्दी से किराएदार ढूंढो है ना। लेकिन ये ख्याल रखना कि लड़का लंबा चौड़ा हो, भूरी उसकी आंखें हो और ऐसी वाली उसकी मूछें हो कि बस हाय। बस कर दे फुप्पो, इस उम्र में ये हरकतें जेब नहीं देती, कितनी दफा बताओ, तुम्हारा रिश्ता थोड़ी कराना है। मैं तो यूं ही कह रही थी कि जरा घर में रौनक सी हो जाएगी। अरे रौनक है, हम सबके दम से भी है। हम ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही शरीफुल नफ्स शख्स ढूंढ के हम ले आएंगे किराएदार के तौर पे, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है। आ रही हूँ भाई, क्या है मेरे दरबान समझा हुआ है जैसे कि मैं ही दरवाजा खोलू क्योंकि मेरा ही फर्ज है। हैं कौन हो भाई तुम, कौन हो? खाला जान आदाब अर्ज है। खाला? ए, किसे खाला कह रहा है तू? तो मुझसे खुद उम्र में 3-4 साल बड़ा ही लग रहा होगा। अरे हम माजरा चाहते हैं। तुम कुछ भी चालो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मतलब है कि हम माफी के तलबगार। अच्छा अच्छा तलबगार नाम है तुम्हारा, ठीक ठीक। जी नहीं, खाकसार को बदरुद्दीन कहते हैं। अच्छा तो फिर ये खाकसार कौन है? अब वो भी हम ही हैं। अच्छा अच्छा तो तुम्हारे दो दो नाम हैं। हाय मेरे भी पता दो दो नाम थे, बल्कि है ना, एक नाम था रियाज जो अम्मा अब्बा ने रखा था, मुझे बड़ा ही जहर लगता था, फिर मैंने अपना नाम बदल के ना मल्लिका रख लिया, मल्लिका। अरे आपको कोई गलत फहमी हो रही है, हमारा एक ही इसमें शरीफ है। तो हम कौन से बदमाश लोग हैं, हम भी शरीफ ही लोग हैं। या अल्लाह हम कहाँ फंस गए। वाह वाह, मुझ जैसी जवान कम उम्र हसीना भला तुम जैसे बूढ़े को फंसाएगी है? वाह रहम करें रहम करें। क्यों रहम करूं, तुम्हें कोई मुझे मर्ज लाहक है? हैं लाहौल वाला कुआं। अरे भाई हम दुलारे बाबू से मिलने आए हैं। हाँ अच्छा अच्छा, तो तुम वो हो जिसका हम सब बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाय आ जाओ अंदर चलो। वाकई? हाँ हाय ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ दुलारे। ये देखो ये है बदरू। बदरू? अरे बदरुद्दीन जख्मी है। अरे लेकिन तुम तो कहीं से जख्मी नहीं हो भाई। अरे भाई तखल्लुक से जख्मी है, शार भी है ना हम। क्या हाल है दुलारे बाबू? जी ए दुलारे से जानते हो? हम नहीं। ये अच्छी तरह से वाकिफ है हमसे, भाई जो ठहरे भाई। हाँ हम दिल्ली वाले, हमारी वालदा लखनऊ वाली, ये भी लखनऊ वाले, तो लखनऊ वाले दिल्ली वाले भाई भाई, वो वाला भाई। हाँ आइए मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। आइए आइए तशरीफ ले चलिए। एक मिनट कहाँ तशरीफ ले जाइए, पहले पैसे तो तय कर लूँ। पैसे? हाँ हाँ पूरे 20,000 होंगे। अरे बाप से पैसे लेते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या पैसे तो हमें तुम दोगे। हमने किसी से उधार थोड़ी लिया। अरे तो मुफ्त इस घर में रहोगे क्या है? अरे आप लोग क्या मेहमानों से पैसे लेते हैं क्या? मेहमान? हाँ मेहमान गेस्ट पेइंग गेस्ट कह रहे हैं। अरे दुलारे बाबू ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप चुप करें ना, आप अंदर तशरीफ लाएं, हम आपको सब समझाते हैं। आइए। क्या समझाते हैं, क्या समझाओगे मुझे बताओ पहले। ऐसे भी जी ये समझाना है इनको कि किराया हम एडवांस में लेंगे ना, बाद में हमें पसंद नहीं है ना ये वाली बात, ये समझाएं। आइए ना चलिए, मुन्ने भी इनका सामान लेके आई। अरे आइए मैं समझाता हूँ। अरे आराम से भैया धक्के क्यों दे रहे हैं? ये क्या माजरा है? सुनिए ये तो मुझे कोई खतरनाक सा आदमी लग रहा है। दाल में कुछ काला है ना, पर क्यों? अरे पप्पा तुम तो
अपने दिमाग पे ना जोर मत दिया करो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओ, तो ये बात है, तो आपने अपनी बेगम से ये कहा है कि हम ये कमरा किराए पे ले रहे हैं? जी हाँ, जिसकी कीमत हम अपनी प्यारी अम्मी जान की आखिरी निशानी उनके कंगनों को बेच के अदा कर रहे हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। हाँ, इसी वजह से कह रहे हैं कि आप चले जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। चले जाएं? अरे हम तो यहाँ अपने सर पे सहरा सजाने का सोच के आए थे। पर हमारे घर तो कोई सहरा नहीं है। अरे बस शादी की बात कर रहे हैं हम। अरे मेरी अभी उम्र ही कहाँ है शादी की, हम अपनी शादी की बात कर रहे हैं। अरे मगर आपकी शादी और यहाँ? अरे दुलारे बाबू, हम भी ये चाहते हैं कि आपकी तरह शादीशुदा खुशहाल जिंदगी गुजारें। लीजिए, हमारी तरह खुशहाल जिंदगी, वाह वाह। बस हमने कसम खा ली है, जब तक हमारी आप शादी नहीं कराएंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। क्या चले दुलारे बाबू, दूसरा प्लान बनाते हैं। प्लान? मेहमानों से पानी तक का तो पूछता नहीं, यानी किस किस्म के लोग हैं ये? क्या फुपो, मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा। देखा है आपने दुलारे बाबू को, कैसे उस नवाब की खिदमत कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो असल का कहीं का कोई नवाब। अरे तो है ना असल के नवाब, लखनऊ के छोटे नवाब हैं वो। वैसे दिखने में इतना छोटा भी नहीं है वो। है अरे फुपो तुम तो चुप कर जाओ, बोलो दुलारे बाबू बोलो। अरे ये जो बदरुद्दीन जख्मी है ना, ये लखनऊ के नामी गिरामी खानदान के चश्मो चराग हैं। लो आजकल चराग कौन जलाता है भाई? अरे हमारा मतलब है कि विरासत में हिस्सा उनका वारिस हैं, लाखों की जायदाद के। क्या? जी हाँ सिम्मी जी, बेशुमार दौलत के मालिक हैं, करोड़ों की हवेली है महल जैसी। तो बेशुमार दौलत को छोड़कर वो यहाँ आम लेने आए हैं क्या? हाय सिम्मी, लखनऊ में आम नहीं होते क्या? ओफो फुप्पो चुप करो तुम। अरे सिम्मी जी, वो यहाँ लड़की ढूंढने आए शादी करने के लिए। हाय मेरी भी शादी नहीं हुई अभी तक। अरे तो आपसे वो शादी क्यों करने लगे फुप्पो? अरे तो फिर? अरे तो उनके लिए लड़की ढूंढे ना आप। क्यों, मैंने यहाँ शादी करवाने का दफ्तर खोल रखा है क्या? अरे तो खोल लेना दफ्तर, सुना है कि इस लाइन में बड़ा ही पैसा। अरे अब चुप करो, क्या तो तुम ठीक रही हो। हाँ आइडिया बुरा नहीं है, बस फिर दुलारे बाबू तुम जाके बदरुद्दीन को कह दो कि सिम्मी ने कहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश कर लेगी। हाँ। अरे सचमुच सिम्मी जी, आपका जवाब नहीं है। तो मेरा सवाल कब था? हाँ हाँ हाँ, उन्हें बता देते हैं, वो बहुत खुश होंगे सुन के, जल्दी से बताते हैं। ए पप्पो तू जरा चल मेरे साथ अंदर। हाँ जा, फोन करते हैं, पता करते हैं दफ्तर का जरा, है ना। जा जा। सिम्मी तू तो कह रही थी कि हम इस बदरुद्दीन की शादी जल्द से जल्द करवाएंगे, हैं? पर देखना हम ये लड़की की लाएंगे कहाँ से। लड़की आए है फुप्पो, तू इतनी मासूम नहीं है जितनी बन रही है, और ये सारा पैसे का खेल है, समझी समझी समझी। हाँ अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि इस छोटे नवाब को ना अगवा कर लेते हैं। बस अगवा, चोरी चकारी खून खराबा और कुछ नहीं सोचता फुप्पो तुझे। और इस समझना बात को, हम बदरुद्दीन की शादी तो करवाएंगे और लड़की से ही करवाएंगे, लेकिन ऐसी लड़की से जो ना अपनी सारी जायदाद हम दोनों के नाम कर दे। सिम्मी तो कितनी शातिर औरत है ना। 20 साल की लड़की को औरत कहते हुए फुप्पो तुम्हें शर्म नहीं आती? तो छोड़ देना इस बात को, तो ये बता कि उसके लिए लड़की कहाँ से आएगी। हाँ फुप्पो, वो याद है वो बंस रोड वाली रईस? रईस वो जो लड़ाका सी लड़की थी जो हर वक्त मोहल्ले में दादा बनी फिरती थी वो? हाँ तो क्या हो गया फुप्पो, दूध देने वाली गाय की 2-4 लाते खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे वही ये काम करेगी। हाँ क्या, तो तू ठीक रही है, लेकिन उसको हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि पता है बड़ी चालाक लड़की है, लालची है। अरे करोड़ों रुपए की जायदाद होगी हमारे पास, मार देंगे उसके मुंह पर 2-4 लाख। हाँ ठीक 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 है, मैं उसको अभी फोन करके बुलाती हूँ। तू थोड़ा फोन कर। रईस? हाँ भाई, क्यों बुलाया मुझे? नहीं इसने, नहीं वो हमने बुलाया था क्योंकि हमें ना तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ देखो देखो लड़के, हम तुम्हारी लड़की, हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। क्या कहा, मेरी शादी? नहीं नहीं, इसने कहा था। हाँ नहीं पप्पो, नहीं वो हम ना ये चाहते हैं कि रईस भाई, मेरा मतलब है रईस बहन, वो हमारे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान? प्लान ये है कि हमारे यहाँ ना लखनऊ से एक बहुत अमीर कबीर नवाब आया है, नवाब बदरुद्दीन। तो
तो कुछ भी नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि वो ना बहुत पैसा रुपया है, तुम एक काम करो उससे ना शादी कर लो, तो हम सारी जायदाद अपने नाम करवा लोगी तो हम भी तुम्हारे साथ साथ ऐश कर लेंगे। और अगर उसने अपनी जायदाद मेरे नाम ना की तो? अरे तो क्या करना है, तुम उसे रास्ते से हटा देना। अरे गोली मार देना, तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन जब तक ना उस लखनऊ के नवाब के साथ आराम से रहना। चलो मुझे मंजूर है। शादी मुबारक हो। चला गया 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 गया। दुलारे बाबू आपको हमारी जरा भी परवाह नहीं। अरे क्यों बदरुद्दीन, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप हमारे भाई हैं ना? बिल्कुल हैं। तो आपको हमारी तन्हाई की फिक्र करनी चाहिए। तो हम हैं ना आपकी तन्हाई दूर करने के लिए, घर में सब है। आपके साथ की जरूरत नहीं है, हम तो मुंतजर हैं अपनी शरीके हयात। अच्छा ऐसे कहिए ना, शरीर कहिए। देखिए ये जो सिम्मी जी है ना हमारी, ये माशाल्लाह बहुत तेज हैं, और फुप्पो जान उनकी भी फुप्पो हैं, वो भी तेज हैं। ये किसी बेहतरीन लड़की का इंतखाब करेंगे आपके लिए, हमें पूरा यकीन है। कर लिया कर लिया कर लिया, बेहतरीन लड़का मेरा मतलब है ये रहा वो बेहतरीन लड़की। लेकिन इसका नाम बेहतरीन तो नहीं था। ओ, मेरा नाम रईस है। अरे भाई रईस तो हमारे मरहूम वालिद साहब का नाम था, नवाब रईसुद्दीन। अरे बदरुद्दीन भाई, बस नाम थोड़ा सा मर्दाना है लेकिन लड़की हीरा है। हीरा हीरा, अरे हीरे मुझे बड़े ही पसंद, लाते हैं मुझे हीरा दे दे। अरे फुप्पो ये वो वाला हीरा नहीं है जो आप समझ रही हैं, कोई और हीरा है। लेकिन हमें जो है ना ये लड़की बदरुद्दीन आपके लिए कुछ मुनासिब नहीं लग रही। क्यों बे, क्या बुराई है मुझमें? नहीं ऐसी फिसल गया था हमारे मुंह से, तो कुछ और कह रहे थे। चुप करो ना दुलारे बाबू, लड़की बहुत अच्छी है, बदरुद्दीन को बहुत खुश रखेगी। लड़की हमें पसंद आ गई। क्या ये क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ दुलारे बाबू, लड़की हमें पसंद आ गई है, थोड़ी मुनफरिद है लेकिन हमारे दिल को भा गई है। ऐसा है कि आप लोग हमारे निकाह की तैयारी करें, हम जरा राज़ो नियाज़ की बातें करके आते हैं। आओ रईस भाई, रईस आओ। क्या राज़ो नियाज़ की बातें करेंगे, पिटे गई है। मुझे यही लग रहा है, तो पिटेगा, गोली मार देगी इसको। अरे दुलारे बाबू, वो काजी को तो बुला, निकाह में बड़ी ताखिर हो रही। अरे क्यों बदरुद्दीन, क्यों परेशान हो, काजी भी आ जाएगा, पहले जरा कुछ लेन देन की बात हो जाए। हैं दुलारे बाबू? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, जहेज तो मैं हरगिज नहीं लूंगा। लेंगे नहीं पर देना तो पड़ेगा। देना पड़ेगा क्या भाई, ज्यादा नहीं, बस अपनी आधी जायदाद इसके नाम कर दो। खाला कैसी बातें कर रही है आप, जायदाद कैसी, हम तो खुद किराए के मकान में रहते हैं। क्या तुम लोग धोखा देके मेरी शादी करा रहे हो? ये करा रही है दुलारे बाबू ने तो कहा था कि चौड़ा नवाब बड़ा अमीर आदमी है। मेरी बात सुनो, अगर तुम इतने मिस्कीन और गरीब हो तो हमारे घर का किराया कहाँ से दोगे? किराया? अरे दुलारे बाबू तो हमारे मामूजाद भाई है। क्या बात ये सिमी जी, हमने एक जरा सा झूठ बोला था आपसे मुन्ने के कहने पे, हम लोगों ने मिलके छोटा सा झूठ, वो भी मुन्ने के कहने पर, खुद तो तू बड़ा ना समझ है ना, छोटा सा झूठ बोला था। एक काम कर दुलारे बाबू, अपना बोरिया बिस्तर भी बांध ले, इसके साथ साथ तू भी इस घर से जाएगा। आई एम मीरा। तशरीफ लाइए। तशरीफ वो तो नहीं है हमारे पास, वो कहाँ से लाएं? ये हम आपको नहीं बता सकते, सेंसर हो जाएगा। यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे लिए तो खूबसूरत सी प्यारी सी दुल्हन नहीं कर देते आप। मुझे सब जहर लगते हैं वो मर जो इस तरह से रोते मसूरते रहते हैं। माने हमारे रहमत अल्लमिया की रहमत, इसका नाम रहमत है, उसने तो कल मुझे बदरू बताया था। बदरू नहीं, बदरुद्दीन, जख्मी कह सकती है। कौन है ये बदतमीज सोवन? मैं बताती हूँ, गोवर्चन है, बवर्चन। मीरा जी मैं तो आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू नवाब साहब। कैसा किस्मत में चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। कैसा किस्मत में चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ
कुछ भी आया, ओ कैसा किस्मत में चक्कर चलाया, अपने हाथ न कुछ भी आया। हम तो आए थे सरताज बनने, उसने कदमों में हमको सुलाया।